तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे गेमिंग चैनल 80 मेट्रो में। तो बिना किसी वकास के वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड। तो मैं तो आप लोगों के लिए करा चुका हूँ न्यू एडवांस अपडेट्स, जो कि OB24 के बाद देखने को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं एक इंट्रो के बाद। सबसे पहले बात करेंगे हम अपने लॉबी की। तो लॉबी आप लोगों को कुछ इस तरह देखने को मिलेगी OB24 अपडेट के बाद। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या सीन है, FFCS का कोई इवेंट आएगा। और भाई साहब, हैप्पी दिवाली एडवांस गरेना ने हमें शो करा दिया है कि वो भी हैप्पी दिवाली की जोरों शोरों से तैयारियाँ कर रही है। तो देख सकते हैं आप लोग लॉबी कुछ इस तरह देखने को मिलेगी हमें, क्या लॉबी है, ओपी लेवल की लॉबी। तो इसके बाद बात कर लेते हैं अपने गोल्ड रॉयल की, उसके बाद डायमंड रॉयल की। तो देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट गोल्ड रॉयल, जिसका वीडियो मैंने अपने पहले वीडियो में अपडेट करा दिया था। तो देख सकते हैं आप लोग मेल का बंडल लेफ्ट साइड में और फीमेल का बंडल राइट साइड में है, और ये कंफर्म हो गया है कि यही बंडल आएंगे गोल्ड रॉयल में। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग हमारा नेक्स्ट डायमंड रॉयल, ये जंगली टाइप लग रहा है, जो जंगल में रहते हैं लोग उस तरह का पहनते हैं ना, इसी तरह का पहनते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कुछ जंगली टाइप का बनाया गया है ऑसम लुक के साथ। देख सकते हैं आप लोग एडम को पहनाने पर भी एडम भी बढ़िया लग रहा है ना, पैंट है और ये सूट्स हैं और इसके हेयर्स बाल ओपी लग रहे हैं बाल। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वेपन रॉयल की। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वेपन रॉयल होने वाला है MP5 का, जिसका एट्रीब्यूट्स है कि डबल डैमेज प्लस एक रेंज प्लस माइनस रिलोड स्पीड। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप लोगों को स्क्रीन के सामने हमारा न्यू लेजेंडरी MP5 का स्किन, जिसमें से येलो रे निकल रही है, जिसका वीडियो मुझे नहीं मिल पाया इसलिए मुझे इमेज ही मिला। तो मैं सोचा कि आप लोगों को इमेज ही दिखा दें। तो कैसा लगा नेक्स्ट वेपन रॉयल, तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्लैश स्क्वाड रैंक खेलते होंगे तो आप लोग जानते होंगे गरेना पिछले दो सीजन से हमें गोल्डन स्किन दे रही है, और डाइजर्ट एगल का गोल्डन स्किन, G18 का गोल्डन स्किन। तो इस बार हमें क्या दिया जाएगा क्लैश स्क्वाड रैंक में गोल्ड थ्री पर पहुँचने पर। तो इस बार हमें गोल्ड थ्री पर पहुंचने पर फार्मर्स का गोल्डन स्किन दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को एक गोल्डन फार्मर्स का गोल्डन स्किन पसंद आया होगा। तो चलिए चलते हैं इलाइट पास के बारे में कुछ जानकारियां देते हैं आपको। तो बहुत से हमारे फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि इलाइट पास में इस बार डिस्काउंट आएगा या नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, इस बार हम अदर कंट्रीज के सर्वर पर इस बार इसी लाइट पास में बहुत अधिक छूट दिया जा रहा है, और और दूसरे कंट्री में यही इवेंट चल रहा है जिसे कहते हैं लकी वीट। तो इस एक बार हमारे इंडिया सर्वर में भी आया था, हो सकता है आने वाले 24 या 25 तारीख या डेट कर सकते हैं को इस इवेंट को अपने इंडिया सर्वर में लाया जाए। अगर इवेंट अपने इंडिया सर्वर में आया तो आप लोग क्या इलाइट पास लेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। तो चलिए चलते हैं अपने न्यू कैरेक्टर्स, न्यू पंपकिन, न्यू पेट के बारे में देखते हैं। तो हमारा न्यू पेट पंपकिन देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिखेगा। इसकी एबिलिटी एट्रीब्यूट्स के बारे में मुझे अभी नहीं पता चला है, लेकिन पता चलेगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ये हमारा
पंपकिन पेट का स्किन होने वाला है, दो स्किन है, एक स्किन और है उसका भी, मतलब वो स्किन का कुछ खास नहीं है इसलिए मैंने दो स्किन चुने हैं। आप लोगों को न्यू पेट पंपकिन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो ये हमारा न्यू कैरेक्टर सेवर होने वाला है, देख सकते हैं आप लोग, इसका बंडल भी ये पहना हुआ है। और इसका एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है फ्रेंड। नुकसान पहले आपको बताते हैं, इसका एक नुकसान है कि आप इसे आलोक के साथ यूज नहीं कर पाएंगे। और इसका फ़ायदा यह है कि फ़ायदा बताते हैं आपको, आइए। तो इसका फ़ायदा यह है फ्रेंड कि अगर आप इस कैरेक्टर को लेकर खेलते हैं तो आपका एच पी 30 एच पी घट जाएगा। आलोक की तरह इसका सी डी है, जिसको सी डी को दबाने पर आपका 200 एच पी का हेल्थ रहेगा, तो 30 माइनस हो जाएगा, बचेगा 170। और सामने वाले इनमी पर 25% डैमेज इंक्रीज हो जाएगा अगर इसका आप इसका सी डी ऑन करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास ए डब्ल्यू एम है, ए डब्ल्यू एम 150 की डैमेज देती है, लेकिन इस कैरेक्टर को लेकर आप इसके सी डी को दबाकर सामने वाले इनमी को डैमेज करेंगे तो 150 के बजाय 180 का डैमेज जाएगा, क्योंकि ये 25% डैमेज इंक्रीज कर देता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा ये कैरेक्टर कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट करिए करिए फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, हाय हेलो ये कोई कमेंट नहीं होता है फ्रेंड। आप लोग कमेंट में बताइए क्या कौन सा कैरेक्टर सही है, क्या सही है, आप सब ये बताइए। हाय हेलो करने से कुछ फ़ायदा है नहीं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा है कैरेक्टर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं हमारे फीमेल कैरेक्टर के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। तो ये हमारी फीमेल कैरेक्टर, इसका एट्रीब्यूट अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। इसका बंडल देख सकते हैं, ये इसका बंडल है और इसका नाम है पैरोटो मैडम, पैरोटो मैडम नाम है इसका। शायद इंडिया सर्वर में आए तो इसका नाम चेंज कर दिया जाए। और OB24 के बाद कुछ इस तरह का हमें लॉबी देखने को मिलेगा, और लोडिंग स्क्रीन वही रहेगा फ्रेंड, जो पुराना वाला है हयातो का, वही लोडिंग स्क्रीन रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और लाइक के साथ साथ कमेंट भी कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।